अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एसआरबी न्यूज़। आइए खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। ननकाना साहिब बटा बाजी कनाडा कॉलोनी नर्स महकमा ज़रात ऑफिस वाली गली पानी में डूब गई। जब से मेन सर्विस की पाइपलाइन डाली गई है, इसका मलबा मट्टी पत्थर सीमेंट के टुकड़े इधर ही पड़े हुए। हम महलियाना इलाका ने बड़ी पुकार की, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। हम लोग किधर जाएं? क्या हम अल्लाह की मखलूक नहीं? बारिश का पानी हमारे मकानों की बुनियादों में पड़ रहा है। मौसम बरसात में किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम पर रहम फरमाए। तकरीबन अरसा 2 माह से हम लोग ठेकेदार की मिन्नत समादत कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनता। एक तरफ तो हमारा नारा है क्लीन एंड ग्रीन पंजाब, दूसरी तरफ हम जैसे मजलूमों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। क्या हम पाकिस्तानी बाशिंदे नहीं हैं? हमारे साथ सुदली माओ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? हमारी जानों का बहुत बड़ा खतरा है। ये किसी वक्त भी एक बड़े हादसे का सबब बन सकता है। हमने जिस मुतल्लिका नुमाइंदे के साथ फोन पर बात करने की कोशिश की, वो फोन उठाने को तैयार नहीं। हम लोग जाएं तो किधर जाएं? हमारे वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर ननकाना और तमाम अहले हुकाम से गुजारिश है कि मुतल्लिका इन जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करके हमारी कीमती जानें बचाई जाए और ये पड़ा हुआ मलबा उठाकर इसे फौरी पीसी किया जाए, ताकि मजीद आने वाले मानसून बारिशों से बचा जा सके। मजीद खबरें देखने के लिए देखते रहें एसआरबी न्यूज़। फॉलो करें एसआरबी न्यूज़ को यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर।